नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों पुणे गुलटे गढ़ी मार्केट यार्ड के प्याज आलू भाव की रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। तो आज है 22 सितंबर 2021। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे प्याज के भाव की रिपोर्ट। प्याज की आवक की बात करें सबसे पहले तो 35 गाड़ी आवक देखने को मिली है और रेट है वो दोस्तों प्रति 10 किलोग्राम के हिसाब से देखेंगे तो बिग एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी ऑनियन है वो 200 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है। वीआईपी नंबर वन क्वालिटी है वो 180 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है और वीआईपी बिग नंबर टू क्वालिटी है वो 170 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है। एवरेज क्वालिटी की बात करें तो 160 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है और मीडियम क्वालिटी 150 रुपये प्रति 10 किलोग्राम तक बिका है। डैमेज क्वालिटी 130 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिकी है। इसके साथ ही गोल्टा गोल्टी की बात करें तो 120 से 90 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है। तो प्याज में दोस्तों बम्पर तेजी नहीं बनी है, अभी तो हल्की तेजी भी नहीं है, ऊपर में 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं आलू की। तो आलू की आवक 26 गाड़ी देखने को मिली है और आगरा का जो आलू है 100 से 130 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है और इंदौर का आलू है वो 100 से 130 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है। गुजरात का 70 से 100 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों नए आलू की बात करें तो 2000 पैकेट आवक देखने को मिली है और 140 से 175 रुपये प्रति 10 किलोग्राम बिका है और न्यू प्याज है वो 300 पैकेट आवक देखने को मिली है। अब न्यू प्याज 100 से 130 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के हिसाब से बिका है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों गुलटे गढ़ी पुणे के आज के प्याज और आलू के भाव की रिपोर्ट।